थप्पड़ मारी थी, जबरदस्त थप्पड़ मारी थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन डॉट रूम्पा। तो गाइस, अभी बज रहा है लगभग, आफ्टरनून हो गया है, तो जस्ट अभी वेकअप हुए हैं हम लोग। तो रूम्पा अभी नीचे गई है फ्रेशअप होने, तो अभी मैं जाके कुछ खाने के, फिर हम लोग एक जगह जा रहे हैं हमारी पुरानी जगह पे बहुत दिनों के बाद। तो चलो लेके जाके बताता हूँ, आप लोग देख लेना। आप लोग जानते हो, फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ रूम्पा को। तो रूम्पा ने भी बोला था चलो लेके चलो, तो चलो अभी जाते हैं वो जगह पे, जाके मिलते हैं, हमारी यादें सब कुछ है उधर जगह पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी खा के नीचे, पहले नीचे जाते हैं, पहले खा लूँगा बहुत, थोड़ा इतना ही खाऊँगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी जाके खाऊँगा बहुत। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, देखो ज़्यादा डाल दिया रूम्पा खाना मुझे, बहुत ज़्यादा डाला। गाइस थम्मी इधर बना रही है, देखो मेरे लिए दाल बना रही है थम्मी, मेरा फेवरेट है। क्या है? हाँ, फटाफट खाते हम लोग, बैठ के खा रहे हैं गाइस। हाँ खाऊंगा जय माँ। चलो गाइस, बहुत ज़्यादा दाल दिया रे तो। सो गाइस, ये साला ने, ये साला ने, ये साला ने, ये साला ने, ये बहुत कुछ बनाया आज। सो गाइस, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, खाना तो खाना हो गया। देखो रूम्पा पहना है वाइट कलर ड्रेस और मैं पहना हूँ ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। तो अभी चलते हैं। रूम्पा जी इधर देखो ना, एक मिनट, जाना है ना। तो चलो गाइस, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं उधर डायरेक्ट, मैं जहाँ पे जा रही हूँ हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। आप लोग देख लेना, रास्ते में सब कुछ बताऊँगा, बने रहेगा। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग अपू की शॉप पे, डाटा निकाल रहा हूँ गूगल पे देखे। अपू नहीं है, मुझे तो ये अच्छा लगा, लेकिन आर्यन बोल रहा है अभी नहीं, क्योंकि वहाँ जाके बहुत कुछ करना है, इसलिए नहीं दे। रास्ता है छोटी छोटी, मतलब गली गली की तरह है, जा रही हूँ लेकिन निकलूंगी कैसे पता नहीं, क्योंकि ये रास्ता भूल जाती हूँ, जब निकालती हूँ ना तब भूल जाती हूँ, निकालते वक्त भूल जाती हूँ, पता है। हाँ देख कितना छोटा छोटा रास्ता है, सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अभी कैसे जगह पे बनाया, ऐसे जगह पे नहीं बनाना था, थोड़ा अच्छी जगह ढूंढ के बनाना चाहिए था। वो देखो दिखाई दे रहा है रिसोर्ट, खाटूरा रिसोर्ट, ये हमारा याद है ना रुक। अब गाड़ी उसके अंदर उठाना होगा, उठा दे, उठा। ओहो हो हो, कार भी लेके आए कोई, आर्यन का नाक थोड़ी लंबी है। सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट आ गए हैं, देखो कार, सॉरी बाइक पार्किंग, बाइक रखा है, कार देख के बोल रहे कार में आया। ओ माय गॉड, कार अच्छा है, व्हाइट कलर का कार है, सच में अच्छा है। चलो गाइस अभी चल रहे हैं अंदर। लेना है कोई है, जाके कर ले जा। सो गाइस, फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देख लेना जगह, आपको हमारी यादें ताज़ा हो जाएगी। ये कटोरा रिजॉर्ट है, हमारा एक एल्बम सॉन्ग भी शूट हुआ था इधर, तो बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं। कैसे लग रहा है रूम्पा? अच्छा है, अच्छा है ना, देखो झूला झूल रही है बच्चों की तरह। तो लास्ट में एक वीडियो बनाया था जो कॉपीराइट आया था, उसकी वजह से मैं वीडियो डिलीट कर दिया। हाँ तो देखो गाइस कितना अच्छा है रिजॉर्ट, वाओ जस्ट अमेजिंग ना, पूरा देख सकते हो आप। अभी हम लोग थोड़ा बातें करेंगे, झूलेंगे, ये भी अच्छा है। मैं बचपन में ये कभी नहीं किया, मेरी बचपन में ये सब कुछ, ये झूला मिलना, क्योंकि टूट जाएगा ना, वेट बहुत होना। तो चलो गाइस इसको झूला झूलने दो, कितना आराम से झूल रही है, देखो बहुत अच्छी लग रही है ना। तो चलो अभी कुछ पहले खा लेंगे, होंठ भी सूख गए मेरे, घर में इतना ही खाना खाया क्योंकि रिजॉर्ट में खाएंगे बोल के।
तो ऑर्डर वीडर देंगे, क्या क्या ऑर्डर दे रहे हैं रूम पर, क्या क्या खा रही है आज, मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, शौक हो जाओगे, देखना बने रहना ब्लॉग में का। सो गाइज फाइनली देखो, हाँ ये झूला झूल रही है बहुत अच्छे से। अब बोल रही है मुझे ब्रीज़र लेके आओ, तो आई मीन ब्रीज़र लेके आऊँगा मैं भी। तो चलो पहले जाके देखते हैं कौन सा ब्रीज़र है, बहुत अच्छा लग रहा है, बैग से देख लो। चल रूम्पा पहले देखेंगे मेनू कार्ड, आ जा। हाँ करेंगे वो, तो देखो गाइस ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ये भी कर सकते हैं हम लोग, पर अभी पूरा पसीना हो जाएंगे। नहीं इधर सब कुछ लेके आएगा बोला, मैं पूछा चेयर देगा ना। वाह ये देखो गाइस हमारा इधर शूट हुआ था, थप्पड़ मारी थी जबरदस्त, थप्पड़ मारी थी शूट में, एक्टिंग था वो, रियल में थोड़ी मारा था, लेकिन रियली थप्पड़ था वो। ओह स्विमिंग पूल नहीं है, नॉर्मल है। फिर जा आप कूद पानी में, साफ पानी है। क्या शिट, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है ये, यहाँ पे थोड़ा अंदर है। नहीं 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 हाँ। तो गाइस हम लोग जब आया था तब ये पूल नहीं था, अभी तो मेरा मन कर रही है, नहाने का मन कर रही है, इतना अच्छा है, माय गॉड बहुत अच्छा है गाइस। पर रूम्पा का ये थोड़ा लूज है, रूम्पा अगर मेरा अगर रूम ये लूज है, हिल रही है, गिर जाएगी अगर इसमें बैठे तो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत उससे पहले नहीं था। चलो अभी जाके ब्रीजर ऑर्डर करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ये गार्डन में, बहुत अच्छा है, पूरे यादें तेज हो रही है। यहाँ पे मैं सिगरेट पिया था शो किस में, शूट पे, यही जगह पे मैं, सॉरी यही सेम है, तो मैं बताता हूँ एल्बम सॉन्ग में ये जगह पे बैठ के दोस्त चार लोग बैठे थे, इधर मैं सिगरेट पिया था, तो वो इतना खांसी हो गया था गाइस मेरे को पीने की आदत नहीं है सिगरेट। रूम्पा हंस रही थी, पता है पीने नहीं है तो क्यों पोज मार के पी रहा बोल के बोल रही थी शूट में। तो चलो अभी जाके अभी ब्रीज़र ऑर्डर करते हैं, खाना भी ऑर्डर करते हैं। गाइस ये था हमारा रिसेप्शन, यही था जहाँ से मैं वेटर का एक्टिंग किया था, ये इधर चिप्स विप्स मिलता है, ये वाला था दरवाज़ा जब मैं अंदर जाके जब थप्पड़ मारी थी जब अंदर जाके मैंने किया था रेडी। तो चलो सो गाइस फाइनली हम लोग ऑर्डर दे दिया हूँ मैं, ब्रीज़र तो नहीं है रूम्पा का जो चीज़ था वो ब्रीज़र नहीं है, अभी ये चिप्स खा रही है, तो अभी मैं भी ये चिप्स खाऊँगा। और तो अभी क्या लेके आएगा पता नहीं, मोमो बोला चिकन पकौड़ा बोला उसको बना के लेके आ रहा है, तो चलो पहले देखेंगे टेस्ट कैसा रहता। और यहाँ पे चेयर भी नहीं है गाइस, रूम्पा देखो किधर बैठी है, इसके ऊपर बैठी है, चेयर भी नहीं है इधर, बोला मैं चेयर लाने के लिए, चलो देखते हैं कब लाएगा। सो गाइस फाइनली आ गया है मोमो पकौड़ा, और बहुत ही टेस्ट कैसा है, अच्छा है रूम्पा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, लेकिन जगह नहीं है बैठने के लिए, वो जगह अभी बन रही है स्विमिंग पूल की उधर साइड, आप देख लिया है हम लोग बता दिए, वो बोल रहे हैं नेक्स्ट जब वो बन जाएगा ना उधर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बियर वियर खा पी के कुछ भी कर सकते हैं उधर बोल के बोल रहे हैं। और रूम का भाड़ा गाइस मैं पूछा इधर, बाप रे कपल्स अगर आए, अगर फैमिली भी आ गया तो 1800 रुपया एसी, नॉन एसी का 1500 रुपया, अगर कोई चार एक दिन का चार लोग का रहेंगे तो अगर 2300 2300 रुपया, लेकिन बहुत दाम ज़्यादा है बहुत ना रूम का, बहुत ज़्यादा है। तो चलो आके आप रूम्स तो ज़बरदस्त है गाइस, पूरा एसी है हर उसमें, एसी भी है नॉन एसी भी है रूम, आके इधर अगर बिताना है तो बिता सकते हो फैमिली के साथ कपल के साथ, बहुत अच्छा जगह है, नाइस। तो चलो पहले ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद जाना है रूम्पा के लिए ब्रीज़र लेना है, ब्रीज़र चाहिए उसको, जाते जाते ब्रीज़र लूँगा, और गए तो मेला जाएंगे या बोगला जाएंगे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसको इसको मैं क्या बोला गाइस, अगर सर में दर्द हो रहा ना दवाई खाए तो कम नहीं हो रहा ना, चल एक ब्रेजर पी ले कम हो जाएगा, पहले भी ब्रेजर पिया था मेरा दर्द कम हो गया था, ठीक है हमारे इसका डायलॉग छोड़ो। तो चलो मैं भी खाता हूँ।
तो गाइस इधर का तो खत्म हो गया, अभी घर जाना है, लेकिन इसको मेले पे जाना है, बोल रहे हैं मेला जाएगा क्योंकि इधर से करीबी है जिधर मेला हो रहा है। तो घर जाते जाते सोच रही थी मेला घूम के जाऊंगी। तो चलो खाना पीना सब ख़त्म हो गया। और एक बात है, आज गाना नहीं बज रही है, अगर गाना बजते तो कोई बात ही नहीं कर पाती। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। निकल रहे हैं हम लोग, खाना पीना सब कुछ हो गया, बट रुम्पा का ब्रीज़र नहीं मिला। अभी जाते जाते मेले से मैं रुम्पा के लिए ब्रीज़र पक्का लूँगा, तो नाइट में हम लोग ब्रीज़र की पार्टी करेंगे क्योंकि उसका फेवरेट है। और सर में दर्द कम होता कहते, मैं पहली बार सुन रहा हूँ उसको। वाह, चलो ब्रीज़र पीने से सर में दर्द कम होता है, अच्छा अच्छा लगा मुझे सुन के। तो चलो चलते हैं, मैं ही बोला था उसको, क्या हुआ? मैं ही बोला था मजाक में, सर वो पीने से सर में दर्द कम। हाँ ठीक है, चलो गाइस चलते हैं। ओके ओके, तो गाइस सामने जो स्कूल दिखाई दे रहा है, ये स्कूल पे भी मैं पढ़ा, दो क्लास ही पढ़ा बस, खटुरा श्री श्री उच्च माध्यमिक। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए देखो ये मंदिर के पास, बिकॉज अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। ये है देखो रुम्पा, रुम्पा चलो। उस टाइम पे मैंने नहीं दिखाया था गाइस आपको मंदिर, क्योंकि हम लोग पीछे के रास्ते से आए थे। तो यही है देखो मंदिर, आप देख सकते हो, वाओ जस्ट अमेजिंग ना, बोलना कमेंट में कैसा है। पहले इधर फोटो अलाउ नहीं था, अभी सब कुछ अलाउ है। और एक लक्की बात ये है कि आज गाना नहीं चल रहा है, कॉपीराइट नहीं आएगा। ये देखो गाइस, अभी फ़िलहाल तो हम लोग अंदर नहीं जा रहे, आप देख लो बाहर से, फिर नेक्स्ट टाइम माँ के साथ आएंगे ना तब जाएंगे। ये वाला तो बस इतना ही बताना था, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग घर पे चला जाएंगे। इधर से कुछ ले लेगी रुम्पा शॉपिंग वगैरह, उसके चला जाएंगे घर पे। तो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेंगे, डायरेक्ट घर पे जाएंगे गाइस। रुम्पा ट्रेन जा रही है ना, गाइस हम लोग आ गया है घर पे। तो रुम्पा अभी क्या क्या शॉपिंग किया अभी बताएगा, ऐसे ही पूरा नींद में है उसको, थोड़ा सर में दर्द भी है बिकॉज सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो अभी बताएगा क्या क्या शॉपिंग है। अभी रुम्पा बताएगा, आप देख लो क्या क्या लाया मेले से। मेला उसका फेवरेट है, शिवनिवास मेला। कौन सा मेला उसको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ शिवनिवास ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है एक बार बता दो। क्योंकि बहुत बड़ा रहती है और दिन में भी जा सकती, कभी भी दिन में जा सकती, ज्यादा के ज्यादा तो मेला रात को शुरू होती है ना, लेकिन ये जो श्रीनिवास का मेला है ना पूरा दिन रहती है और एक मंथ रहेगा। ओके अगले जो शिव पूजा है, शिव पूजा के दिन मेला खत्म हो जाएगा। बताओ अभी आप जो जो लिया बताओ। ये लिया 60 रुपया लिया 60 रुपया लिया, इसके साथ ये बाली। रुम्पा बोल रही थी गाइस मुझे तो पता नहीं है, वो बहुत महंगा लेगा बाहर बोगला में उधर इधर बोल के। हाँ महंगा लेती है मेले में, बहुत कम मिला। बोलना ये मतलब कितना लेती है, मैं तो मुझे तो पता नहीं है, मैं कभी यूज भी नहीं किया, पहली बार लिया ये। तो और एक ये लिया, ये भी कान का, ये देखो ये भी 60 रुपया लिया। चलो और ये लिया बैग, कलर कैसा है पता नहीं, लेकिन मुझे तो व्हाइट कलर पसंद था। आर्यन बोल रहे थे व्हाइट कलर क्या गंदा हो जाएगा, लेकिन गाइस मुझे ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और रुम्पा को ये कलर पहले पसंद आया था, उसके बाद वाइट कलर लेने जा रहे थे, उसके बाद मैं बोला ये ले ले ये अच्छा लग रहा है, तो रुम्पा ने ले लिया। कलर का भी पसंद था तो ये अच्छा नहीं लगा, कलर का भी नहीं है अब, लेकिन अच्छा है, ये कलर का भी नहीं था तो ठीक है, ये भी ले लिया, अच्छा लग रही है। ये भी बड़ा एक है छोटा एक, चलो अच्छा है। और लिया ये
तो गाइज ये तो मेरा पसंद का था, कितना क्यूट लग रहा है आप कमेंट में जरूर बोलना। ये मैंने रुम्पा के लिए बहुत पसंद करके मैंने लिया है। रुम्पा आपको पसंद है ना? ये कलर का एक साड़ी है उसके साथ अच्छा लगेगा। तो रुम्पा बोल रही थी गाइस रास्ते में साड़ी ने तूने दिलाया था पिंक कलर का, तो ये उसको सूट होगा। चुप चुप बड़ा बड़ा हो गया मेरे हाथ से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। बोलना कमेंट में कैसा लग रहा है। कर सकती ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है मेरे हाथ से। नहीं अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा नहीं लग रहा है रुम्पा, बहुत अच्छा लग रहा है, वो साड़ी पे सूट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लग, ये यूनिक डिजाइन है गाइस, अलग से ही डिजाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या लिया? और सबसे खास बात, ये सब कुछ हो गया मेले में, हम लोग ये खरीद लिए और आपको मंदिर भी दिखा दिया, देख लेना। उसके बाद अब ये रुम्पा का फेवरेट ब्रीजर नहीं मिला, मैं उसको कल लेके जाऊंगा फिर कृष्णा नगर पिलाने के लिए, लेके जाऊंगा। हाँ उसके बाद मैं रुम्पा का लाया गाइस। ये है गाइस, रोटी है, क्रिप्सी चिकन है और चिकन काशा है। रुम्पा का अच्छा लगा, हमारे एक यहाँ पे गांव में सजाल भाई बोल के बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है बोल के बोला, तो आप देख सकते हो ये लेके आया। अभी रुम्पा खाएगी और उसको सर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार भी आ गया। हाँ तो चलो गाइस अभी हम लोग फटाफट खाते हैं, उसके बाद खाने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। तो आपको आज का अच्छा लगा शॉपिंग रिजॉर्ट? बोलो ना, रिसॉर्ट मैं बहुत बार गया। रुम्पा दिल से बोल जो भी बोला। हाँ, अच्छा लगा। इधर देख के बोल। हाँ, अच्छा लगा। तो चलो गाइस रुम्पा आज बहुत खुश हो गई, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। तो बैग वेग आप सब देख सकते हो, अभी हम लोग खाना खाएंगे। अरे मेरा कंबल का कलर हो गया। सो गाइस कंबल का कलर हो गया। तो गाइस आप बुरा मत मानना, मैं मुझे बेड पे खाने की आदत है। इफ यू डोंट माइंड सो सॉरी। क्योंकि गाइस मैं नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर वो पैर पे मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा लेग दर्द है, मैं इसलिए नहीं बैठ सकता। आप कुछ भी गलत मत समझना, मुझे बहुत दर्द होता है जमीन पे बैठने के लिए, क्योंकि मेरा पैर में थोड़ा, जब बास्केटबॉल खेलता था थोड़ा मेरा पैर थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो दर्द होता है बैठने से। तो आप प्लीज़ गलत मत समझना। आप लोग सब लोग कमेंट करते हो बेड पे नहीं खाना, मुझे भी पता है बेड पे नहीं खाना, बट मैं थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं बेड पे खाता हूँ। तो प्लीज़ गाइस गलत मत समझना, अभी हम लोग बेड पे ही बैठ के खाएंगे। रुम्पा भी मेरा सपोर्ट करती है, बेड पे बैठ के खाती है मेरे साथ। तो चलो अभी खाने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। बहुत अच्छा है, तुम खुश हो ना? चलो गाइस अभी हम लोग खाएंगे, रुम्पा स्टार्ट करेगी। सो गाइस डिनर कंप्लीट हो गया है, तो अभी रुम्पा सो गई है, तो मैं भी सो जाऊंगा, मैं भी बहुत थक गया हूँ गाइस। सो गाइस अभी मेरा भी डिनर कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने देख लिया, रुम्पा सो गई है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले सब लोग सो गए हैं, तो अगर ज़ोर से बात करूँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं ड्रेस भी चेंज किया हूँ, जस्ट बहुत भूख लग रही थी इसलिए। तो चलो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ ही दिनों में कुछ नया लेके मिलते हैं, दिनों में नहीं जल्दी, आई थिंक कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर अपडेट करने की, बस कुछ परेशानी के कारण अपडेट नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि रुम्पा की तबीयत भी ख़राब रह रही है। तो जल्दी कंटिन्यू आने की कोशिश करूँगा ब्लॉग में अपडेट रहने की, क्योंकि आपके कॉमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो इसके लिए दिल से सॉरी गाइस। जल्दी अपडेट होगा, ब्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करो, इसी तरह प्यार करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड नाइट गाइज़।